हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स एंड क्रिकेट में। सच में आपको क्रिकेट से रिलेटेड बड़े बड़े खबरें आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको शेड्यूल मिल सके। पहली बड़ी खबर का रुख करें, कब निकल के आ रही उमर अकमल के हवाले से की बड़ी खबर। और उमर अकमल के लिए बहुत ही अच्छी खबर निकल के आ रही है कि उमर अकमल फिर से क्रिकेट में वापसी करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनकी जो छः महीने जो उनकी बैन लगाई गई थी, छः महीने काम फिर से काम कर दी है और अब वो किसी भी वक्त क्रिकेट में वापसी करेंगे। और ये भी हो सकता है कि 15 मार्च के बाद वो क्रिकेट में वापसी करेंगे। और बहुत ही अच्छी खबर उमर अकमल के लिए निकल के आ रही है कि वो फिर से क्रिकेट में वापसी करेंगे। और दूसरी बड़ी खबर करूँ करें, खबर निकल के आ रही है वुमेन क्रिकेट के हवाले से। इंडिया के वुमेन सभी खिलाड़ी 11 मार्च से फिर से 50 ओवर का क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है कि इंडिया में ही टूर्नामेंट खेला जाएगा, 11 मार्च से शुरू होगा जो 50 ओवर चैलेंजिंग ट्रॉफी खेली जाएगी। इसमें इंडिया के सभी वुमेन्स क्रिकेटर खेलते हुए दिखेंगे। ये सुगत की बड़ी खबर निकल के आ रही है। और तीसरी बड़ी खबर करो करें, खबर निकल के आ रही है रोहित शर्मा के हवाले से की बड़ी खबर। रोहित शर्मा के मुताबिक दोनों टीमों के बल्लेबाजों ने बहुत ही मिस्टेक की है इस तीसरे टेस्ट मैच में। जिस तरह दोनों टीमों के बल्लेबाज जिस तरह आउट हुए हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा मिस्टेक की है, इस वजह से वो इस टेस्ट मैच में कुछ कर नहीं पाए हैं। उनके मुताबिक दोनों टीमों के जितने भी बैट्समैन थे अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा मिस्टेक इस टेस्ट मैच में की। ये कहना है रोहित शर्मा का। और चौथी बड़ी खबर करो करें, खबर निकल के आ रही है अक्षर पटेल के हवाले से की बड़ी खबर। अक्षर पटेल के मुताबिक जिस तरह उन्होंने पिछले दो टेस्ट मैचों में जिस तरह बेहतरीन गेंदबाजी की है, उनके मुताबिक वो और ज़्यादा अच्छी गेंदबाजी करेंगे आने वाले वक्त में। उनके मुताबिक वो बहुत खुश हुए हैं इस परफॉर्मेंस से। उनके मुताबिक वो आने वाले वक्त में अच्छी गेंदबाजी करेंगे और वो इंडियन टीम के साथ बहुत देर तक टेस्ट मैच खेलना चाहते हैं। उनके मुताबिक वो और ज़्यादा अच्छी गेंदबाजी करना चाहते हैं। और ये कहना है अक्षर पटेल का कि वो बहुत ज़्यादा मिस्टेक अब नहीं करेंगे, जितने भी ओवर टेस्ट मैच खेलेंगे वो अच्छी गेंदबाजी करने की कोशिश करेंगे और वो बल्लेबाजी भी इम्प्रूव करना चाहते हैं। ये कहना है अक्षर पटेल का। और पांचवी बड़ी खबर करो करें, खबर निकल के आ रही है जो रूट के हवाले से की बड़ी खबर। जो रूट के मुताबिक जिस तरह इंडियन के जो टीम मैनेजमेंट है, जिस तरह उनकी जो पिच दी गई है हमारे लिए, जैसी पिच रखी गई है इतनी ऐसी बुरी पिच, वो इंग्लैंड में जो अगस्त सितंबर में इंडिया इंग्लैंड के लिए रवाना हो जाएगी और इंग्लैंड का दौरा करेगी 5 टेस्ट मैचों के लिए, जो रूट के मुताबिक इतनी बुरी पिच वहाँ पर नहीं दी जाएगी। उनके मुताबिक वो उतनी वहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त सरफेस होगी, जिस तरह उन्होंने इंडिया में जिस तरह पिच दी है इस तरह की पिच वहां पर नहीं होगी, वहां पर बहुत ही बेहतरीन पिच होगी। ये कहना है जो रूट का। जो रूट बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है, पहले टेस्ट मैच में दोहरा शतक मारा था लेकिन बाद में किसी भी टेस्ट मैच में वो अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पाए। उसका नतीजा ये रहा कि अभी तक इंग्लैंड की टीम 2-1 से टेस्ट सीरीज में अभी तक पीछे है और अब चौथा टेस्ट मैच अगर इंग्लैंड की टीम जीती है तो 2-2 से टेस्ट सीरीज बराबर होगी। और ज्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको शेड्यूल मिल सके। थैंक यू।